नमस्कार। आबू रोड 11 अप्रैल 2024 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आबू रोड द्वारा आज ज्ञानदीप भवन HGI रोड मानपुर में सामाजिक समरसता दिवस समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहब की तस्वीर के ऊपर पुष्पहार चढ़ाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपशाखा मंत्री पर्वत सिंह देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कैलाश जोशी, प्रांत संयोजक कुटुंब प्रबोधन, अतिथि के रूप में रमेश चंद्र बराड़ा, सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, डॉक्टर ML हिंडोनिया, MD फिजिशियन राजकीय चिकित्सालय आबू रोड, सतीश शर्मा, मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी, डूंगर सिंह देवड़ा जिला मंत्री एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता दुराराम चौधरी उपशाखा की रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कैलाश जोशी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की समकालीन परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए अपनी बात को निडरता के साथ रखी। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने समाज में व्याप्त छुआछूत को दूर करने के लिए पुरजोर वकालत की तथा समाज को सभी वर्गों में समरसता की वकालत की। कार्यक्रम को रमेश चंद्र बराड़ा, डॉक्टर ML हिंडोनिया, सतीश शर्मा, डूंगर सिंह देवड़ा तथा भूराराम चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ऋतु भटनागर, सरिता मीणा, भगवान सिंह महावर, ज्योतिर्मय शर्मा, सुनील कुमार प्रजापत सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यालय का संचालन उपशाखा मंत्री पर्वत सिंह देवड़ा द्वारा किया गया तथा कल्याण मंत्री के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारी जो संस्कृति है सनातन संस्कृति, कण कण में भगवान का रूप हम देखते हैं। चाहे गाय में ईश्वर का रूप देखना हो, पेड़ पौधों में ईश्वर का रूप देखना हो, पशुओं में ईश्वर का रूप देखना हो, सांप तक विषैले जानवर में भी हम ईश्वर का रूप देखते हैं। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति। उस सनातन संस्कृति के काल में व्यक्ति व्यक्ति में भेद कैसे हो गया, व्यक्ति व्यक्ति। और उनकी जयंती पर हम बाबा साहब को स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण जब हम कर रहे हैं, स्मरण करते हैं महापुरुषों का। महापुरुषों को हम स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। तिल तिल कर घिसते हैं, घिस घिस कर जलते हैं, तब महापुरुष बनते हैं। तो ऐसे एक इस देश के महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। तो उनके बाल्यकाल के बारे में हम सब जानते हैं और उद्बोधन में आ भी है कि कैसी उपेक्षा और भेदभाव।